तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अ म्यूज। अपने रूम में किताबों से घिरा एक 70 साल का नेशनल अवार्डी पोएट ली, जिसके जिंदगी में कभी किताबों के अलावा कोई और इंसान आया ही नहीं, काम में मशरूफियत की वजह से एक अरसा बीतने के बाद उम्र के इस पड़ाव पर आकर उसे गुजरे वक्त की कमी खलती है। ली का चहिता 31 साल का असिस्टेंट सीजीवू, जो ली के यहाँ पर आता जाता रहता है। उसके जरूरतों का, जैसे साफ सफाई, मार्केटिंग करना, खाना बनाना, इस सब का ख्याल रखता है। हाल ही में उसकी एक बुक पब्लिश हुई है, द हर्ट, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक है। एक दिन ऑफिस से जब ली घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक लड़की सो रही थी। कुछ देर तक ली उसे देखता ही रहता है, फिर जियो उसे उठाता है। उस लड़की ने अपना नाम युंगो बताया और गार्डन की बाउंड्री में लगी सीढ़ियों से वो वापस चली गई। शाम को जीवू ली से कहता है वो कुछ दिनों तक बिजी रहने वाला है, क्योंकि उसे किताब लिखने का ऑफर मिला है। अगर वो चाहे तो युंगो को काम पर रख सकता है। उसने मुझसे कहा था कि उसे काम की जरूरत है और वो यहीं पास में ही रहती है। ली बिना कुछ सोचे उसे काम पर रखने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन ही युंगे आती है, 17 साल की नटखट एक मासूम सी हाई स्कूल की लड़की। घर पर इधर उधर काम करते वक्त ली उसे ही देखता रहता था। धीरे धीरे बातें उनमें बढ़ने लगी थी। अब वो हफ्ते में एक के बजाय दो बार काम पर आती है। एक दिन तेज बारिश में भीगी लिंगियो ली के घर पर आती है, क्योंकि उसकी माँ से उसकी लड़ाई हो जाती है और वो आज रात यहीं पर रुकना चाहती है। सुबह जब ली की आँख खुलती है तो लिंगियो उसके बिस्तर में ही उसके पास में ही सोई मिलती है। वो उसे निहारता है और फिर ली उसके गले में एक टैटू देखता है। ली एक बहुत ही अजीब सा खिंचाव महसूस करता है, जैसे युंगो में वो अपनी खोई हुई जवानी देखता है। तभी जियो की गाड़ी की आवाज़ सुन ली जल्दी से स्टडी रूम में चला जाता है, ताकि उसे ये लगे कि रात भर वो वहीं था। युंगो को ली के बेडरूम से देख उसी के ढीले ढाले कपड़े में निकलता हुआ जियो देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में युंगो सैंडविच बनाती है, जिसपे जियो कहता है सर को ब्रेड नहीं पसंद है, और इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है। युंगे जब ली को सैंडविच देती है वो खुशी से खा लेता है। जियो को ये बात अजीब लगती है। एक बार जीवुक ली को समझाने की कोशिश भी करता है कि एक हाई स्कूल के स्टूडेंट से इतनी नजदीकी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ली ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया था, जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अब तीनों भी हाइकिंग के लिए निकलते हैं। जीवुक हिंगो को ली के घर पे काम करने के लिए आने से मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। गुस्से में वो उसे धमकाता है। तभी युंगो के माँ का दिया हुआ मिरर उसके हाथ से फिसल के नीचे गिर जाता है। ये उसकी माँ का दिया हुआ पहला तोहफा था, जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। रोते हुए इंगो को जीवुक देखता है और कहता है कि इतनी सी बात के लिए तुम बखेड़ा ना खड़ा करो, और फिर वो उससे कहता है कि मैं ऐसा ही मिरर तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। लेकिन इंगो को दूसरा नहीं, वही मिरर चाहिए था, क्योंकि वो उसकी माँ ने गिफ्ट किया था। तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है और अपनी जान को खतरे में डाल के वो मिरर को वहाँ से लेकर आता है। युंगो शुक्रिया करने के लिए उसको कहती है कि तुम्हें मैं अपने जैसा टैटू बना कर दूंगी। पहले तो ली थोड़ा हिचकिचाया, पर इंगो के जीत के सामने वो हार जाता है। अब अपने गोद में ली का सर रख के वो उसके सीने पर टैटू बना रही थी। ली उसे छूने की कोशिश करता है और एकाएक उसकी नज़र शीशे पर पड़ती है। अपने परछाई में उसे एक नौजवान दिखाई देता है। ये ली का सपना है। यहाँ दो लोग बहुत खुश थे। उस वक्त वहाँ पर सालों पहले गुजर चुकी तमन्ना, वो एहसास ली के सीने में सांस लेने लगी थी, उसके सारे बदन को गुदगुदाने लगी, और एक कवि का एहसास उसके कलम से उसके पन्नों पर उतर आए थे। वो इंगियो पर एक किताब लिखने लगा था, एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, जिसका नाम भी इंगियो ही रखा है, मतलब दिल बहलाने वाला एक खूबसूरत सा ख्याल। यहाँ पर जीवुक अपने नए काम को लेकर बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसके काम रिजेक्ट हो रहे थे। वो इंगियो को अपने अपार्टमेंट में कुछ दवाई लाने को कहता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो उस पर इंजाम लगाता है। वो कहता है कि तुम सर ली के साथ अच्छा नहीं कर रही हो और तुम्हें ली से दूर रहना चाहिए, और उस मिरर वाली बात को एक ड्रामा कहता है। दरअसल इंगियो के प्रति ली के झुकाव को देखकर जीवुक को उससे जलन होने लगी थी, क्योंकि इतने समय तक वो ली के साथ था। और फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें इंगियो का स्कूल बैच उसके सीने में छुप जाता है। इंगियो भी उसे गुस्से में कहती है कि एक इंजीनियर कभी किसी के दुख को नहीं समझ सकता है। जीवो ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। फिर उसके शर्ट में खून देखकर वो उसे टिश्यू देता है और उसके सीने में बना वो टैटू भी देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें इंजीनियर वाली बात किसने बताई। फिर वो कहती है कि मुझे ली सारी बातें बताते हैं। फिर एंगियो टेबल पर रखी द हर्ट नोवेल पढ़ने के लिए मांगती है। यहाँ एंगियो स्टडी रूम में एक बड़ी बॉक्स को खिसका कर टेबल के पास शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी, और इतने में ही वहाँ पर जीवुक आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ली को स्टडी रूम से छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बॉक्स तानातानी में उलट जाता है। एंगियो
दौड़कर ली को बुलाने भागती है। कॉपीज को वापस बॉक्स में जब ली रख रहा था तो उसे ली का एंगियो पे लिखा मैन्युस्क्रिप्ट दिखता है। वो जल्दी से फिर उस बॉक्स को वहीं पर रख देता है। जीवोक ली को कल की मीटिंग के बारे में बताता है। एंगियो भी साथ में जाने की जिद करने लगी, जिसपे जीवोक गुस्से में कहता है ये एक हाई लेवल मीटिंग है, अपनी हद पर रहो। पर ली ने उसकी बातों को काटते हुए कहा कि स्कूल के बाद हम दोनों चलेंगे। मीटिंग में ली जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि आज वो एंगियो के साथ बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ली का मूड अलग ही होता है। मजाक मजाक में वो अपना टैटू भी दिखाता है। वैसा ही टैटू देख जीवोक को दोनों के नजदीकियों से बहुत जलन होती है। आधे घंटे से इंतजार कर रहा ली एंगियो के स्कूल वापस आने से उसे डिनर पर ले जाता है। उसके साथ वो खुलकर हंसता है, जैसे कि वो वापस से फिर से 17 साल का हो गया हो। यहाँ पर डेडलाइन पास आने से और नोवेल पूरी न कर पाने से परेशान, साथ ही युंगे से जेलस जीवोक ली के गैर हाजिरी में ली के स्टडी रूम में ली की लिखी हुई एंगियो पे मैन्युस्क्रिप्ट पढ़कर उसे चुरा लेता है। एक रात लिटरेरी कमेटी का हेड ली से किसी काम से मिलने आया था और उसे जीवोक के नए नोवेल युंगे के बारे में बताता है, जो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर होते जा रही है। ये सुनते ही ली भागते हुए जाता है और अपना बॉक्स चेक करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मैन्युस्क्रिप्ट वहीं पर रखी होती है। और उसके बाद चेक करने के लिए वो तुरंत बुक स्टोर के लिए निकलता है। उस किताब के एक एक शब्द ली के होते हैं, ये किताब उसी की थी। अगले दिन जीवो ली से मिलने आता है। टेबल पर रखी उसकी नई बुक को देखकर वो समझ जाता है कि ली को सब बात पता चल गई है, और वो कहता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आप इसे अपने नाम पर कभी छाप नहीं पाते और इतनी खूबसूरत एक लव स्टोरी हमेशा बक्से में ही दबी रह जाती। तो ली कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया मेरी चीजें चुराने का, तुम में कभी एक राइटर बनने का टैलेंट था ही नहीं। दोस्तों दरअसल द हर्ट नोवेल ली ने ही उसे लिख कर दी होती है, जिसकी वजह से जीवोक की आज एक पहचान है। जीवोक कहता है कि मैं आपकी परछाई बनते बनते अब थक गया हूँ। 70 साल का आदमी और एक 17 साल की लड़की, ये कोई एक लव स्टोरी नहीं है बल्कि एक डर्टी सा स्कैंडल है, इससे सिर्फ आपकी बदनामी होगी। ये सुनकर ली आपे से बाहर हो गया और जीवोक को थप्पड़ मारता है। वहाँ खड़ी सब देख रही थी युंगो, और वो ली को ऐसे गुस्से में पहली बार देखकर वहाँ से भाग जाती है। उसी शाम युंगो ली से मिलने आई थी, पर सारे दरवाजे बंद होते हैं। ली को इस बात का अंदाजा है कि कुछ चीजें पाना नामुमकिन है, जैसे वो अपना वक्त कभी वापस ला नहीं सकता, वैसे ही युंगो उसका सपना है जो कभी उसे पकड़ नहीं सकता। टेबल पर वो अपने नाम का किताब देख वो उसे पढ़ने लगी थी। पूरा दिन युंगो सोचती है कि जीवोक को ये बातें कैसे पता। स्कूल के बाद युंगो सीधा जीवोक के अपार्टमेंट गई और उससे उसने पूछा क्या ये किताब तुमने लिखी है और तुम्हें उस टैटू के बारे में कैसे पता। जीवोक समझ जाता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और वो कहता है कि ये किताब उसने ही लिखी है और ली ने ही उसे सारी बातें बताई है। घर वापस छोड़ते हुए युंगो उसे थैंक यू कहती है। अब खबर आती है कि एंगियो नोवेल इस साल का लिटिल अवार्ड वो जीत गया है। जीवोक यकीन ही नहीं कर पाता और चीफ गेस्ट के तौर पे ली को ही इनवाइट किया जाता है। अवार्ड सेरेमनी में किसी को भी उम्मीद नहीं थी ली भी आएगा, क्योंकि वो कभी भी किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं गया था, लेकिन आज वो जीवोक के लिए नहीं बल्कि अपने लिखे गए नोवेल के वजह से आया है, ताकि वो लोगों को इसके असली मायने के बारे में वो समझा सके। ली कहता है कि एंगियो ऐसी है जैसे सूखी बंजर जमीन पर एक मीठी बारिश की फुहार, इतनी खूबसूरत, इतनी सच्चाई से शायद ही कभी कोई लिख सके। ली बस सर को नीचे करके सुनता है। और अब सर्दियां आ चुकी हैं। युंगे वापस ली के घर पर आती है उसे विश करने, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और इस बार ली दरवाजा खोल देता है। शाम को दोनों ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वहाँ जीवोक भी उन्हें विश करने आता है और टेबल पे रखे केक को देख कर कहता है सर ली को डायबिटीज है और वो केक नहीं खा सकते। वो वहाँ से वापस जाने वाला रहता है, लेकिन सर ली उसे रोक लेते हैं। डिनर के बाद सोने से पहले एंगियो को ली हक करता है और एंगियो उसे फोरहेड पर किस करती है। जाने से पहले वो जीवोक को देखने जाती है और फिर से दोनों बहुत पी लेते हैं। आधी रात को स्टडी रूम से ली को कुछ आवाज आती है, वो बाहर की तरफ से देखने जाता है। अंदर दोनों ही इंटीमेट हो रहे होते हैं। यहाँ एंगियो को यही लगता है कि जीवोक ने ही वो किताब लिखी है, इसका मतलब वो उसके लिए कुछ फील करता है। ये सब देखने के बाद ली गुस्से में जीवोक की कार पंक्चर कर देता है और अपने कार की स्टेयरिंग को लूज कर देता है। जब सुबह उसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज से उसकी नींद खुली तो उसे याद आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और थोड़ी देर में ही जीवोक कार का कंट्रोल खो बैठता है, लेकिन एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। मैकेनिक के पास जाने पर उसे पता चलता है कि स्टेयरिंग को जानबूझकर किसी ने लूज किया है। वो समझ जाता है और तुरंत गाड़ी को ठीक कराकर वो ली के घर के तरफ मुड़ता है, लेकिन अब की बार इतने गुस्से में होने के कारण उसका असली में एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। यहाँ पर एंगियो को ली का वॉइस मैसेज आता है
कि उसने जीवू को मार डाला। एंग्यू बहुत रोती है और उस दिन के बाद से वो ली को मिलने कभी भी नहीं जाती है। समय बीतता गया, एंग्यू स्कूल से अब कॉलेज में पहुंच चुकी है और पहले से ज्यादा मैच्योर भी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी में जाती है और वापस से वो अपनी एंग्यू किताब ढूंढती है और उसमें से एक लाइन पढ़ती है। इतने सालों बाद आज वो वापस ली के घर पर आई है और वो देखती है कि घर शराब के बोतलों से भरी पड़ी है। टेबल पर कई दिनों का खाना और दवाइयां पड़ी रहती है। वो अब ली को ढूंढती है और वो ली के पास जाती है और उसे देखती है कि वो अपने स्टडी रूम में सोया हुआ है। एंग्यो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ थी, मैं समझ ही नहीं पाई कि साथ बिछाए वो छोटे छोटे अनदेखे पल जो हमने कभी कहे ही नहीं सिर्फ महसूस किए, ये सब बात किसी को भी कितनी भी कोशिश करो नहीं बताई जा सकती, खासकर उसे जिसके लिए सारे मिरर एक जैसे थे। वो कैसे समझ पाता ये सब बातें, एंग्यो हमेशा से आपकी थी, वो नॉवेल आपने लिखी थी। वो कहती है थैंक यू मुझे इतना अहम और इतना खूबसूरत बनाने के लिए। ली सारी बातें सुन रहा था लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता है। उसकी एंग्यो उसे आखिरी बार गुड बाय कहकर चली जाती है। ली भी अपनी नमी भरी आंखों से उसे गुड बाय कहता है। भले ही एंग्यो को सब कुछ पता चल गया हो लेकिन अब पहले जैसा सब कुछ होना मुमकिन नहीं है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और हमारा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।